हेलो एंड वेलकम गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज क्या हालचाल, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज मैं आपको अपने बॉट सर्वाइवल सीरीज के बल्ड की डाउनलोड लिंक देने वाला हूं। उससे पहले गाइज आप ये जान लो कि मेरे सर्वाइवल बल्ड में क्या क्या है। तो गाइज आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते जाना, आपको कोऑर्डिनेट्स और पता चलता जाएगा कि मेरे इस बल्ड में कौन कौन से बिल्ड्स कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया एक एमिथिस्ट साइड फार्म, जो कि गाइज अपने स्पॉन पॉइंट पर है, क्योंकि मैंने स्पॉन पॉइंट पर ही अपनी केव और नेदर पोर्टल को बना रखा है। तो कभी आपको एमिथिस्ट साइड की जरूरत पड़े या गाइज आपका माइनिंग का मन हो तो गाइज आप इस माइन के अंदर आ सकते हो और माइनिंग कर सकते हो। यहाँ पर हैं अपने खेत खलियान, जिनके अंदर आपको माइनक्राफ्ट की लगभग सभी टाइप की क्रॉप्स मिल जाएंगी। इसके अंदर मैंने सभी टाइप की फसल गिरो कर रखी हैं। और यह है अपना बेस, पहले इधर एक नॉर्मल विलेज था लेकिन अभी मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है एक चेरी विलेज के बायोम में। इधर मिल जाएगा आपको एक सुपर स्मेल्टर, जिसके अंदर आप जितने चाहे उतने आइटम्स को स्मेल्ट कर सकते हो काफ़ी तेज़ी से। और ये है अपना लाइब्रेरियन ट्रेडिंग हॉल, जिसके अंदर सभी टाइप की इंजेंटेड बुक देने वाले लाइब्रेरियन हैं। मैंने गई इनको फुल मैक्स कर रखा है और गई इनका ट्रेड भी सस्ता करा रखा है। यहीं पर गई आपको एक ब्लेजर ट्रेडिंग हॉल भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर माइनक्राफ्ट के सभी टाइप के ब्लेजर हैं और गई इन सभी का मैंने ट्रेड डिस्काउंट करा रखा है। ये सभी आपको एक एमरेल्ड में ट्रेड दे देंगे। इधर से आप जा सकते हो स्टोरेज हाउस के अंदर। मैंने अपने घर के नीचे मतलब कि बेसमेंट में एक स्टोरेज सिस्टम बना रखा है, जिसके अंदर मैंने अपने सभी आइटम्स को स्टोर कर रखा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो चीज़ आपको इस स्टोरेज सिस्टम के अंदर मिल जाएगी। इसी स्टोरेज हाउस के ऊपर अपना घर है, यानी कि एक ब्यूटीफुल सा चेरी हाउस। और ये है अपना एक फुल्ली डायमंड का बीकन। अपने घर के पीछे है एक स्नीपर फार्म, जिसके अंदर 10-12 स्नीपर हैं। इससे गई आपको स्नीपर एग और टॉर्च फ्लावर और पिक्चर पॉड के सीड मिल जाएंगे। ये है एक बोन मिल सुगर केन फार्म, जिसके अंदर से आप जितना चाहो उतना सुगर केन ले सकते हो बोन मिल डालकर। इसी के साइड में आपको एक बोन मिल फार्म भी देखने के लिए मिल जाएगा, ये है जीरो टिक कैल्प बोन मिल फार्म। ये है अपना एक फ्यूल फार्म, यानी कि लावा फार्म। और गई जी ये है एक सुपर जाइंट बिगेस्ट गोल्ड एक्सवी फार्म, जो कि इतना हैवी है कि आपके गेम को भी क्रैश कर सकता है अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो। इसी के पास में आप नीचे की तरफ जाओगे तो गई जी नीचे आपको ज़मीन के अंदर एक स्लाइम फार्म भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये हो गया एक ट्री फार्म, इसके आगे गई आपको खेत खलियान के साइड में मिल जाएगा एक बूल फार्म देखने के लिए, और इस बूल फार्म के साइड में है एक छोटा सा गोल्ड एक्सवी फार्म। अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो आप बड़े वाले गोल्ड एक्सवी फार्म को यूज मत करना, इस वाले को यूज कर लेना। अभी गई ये हो जाएगा अपने एक आयरन फार्म, जिसको मैंने अपने इस वर्ल्ड में सबसे पहले बनाया था। इन्हीं के साइड में आपको ऊपर की तरफ एक सुपर जाइंट बिगेस्ट गन पाउडर यानी कि क्रीपर फार्म देखने के लिए मिल जाएगा।
ये है एक ट्राइडेंट यानी कि ड्राउन फार्म। और ये हो गया अपना एक ब्यूटीफुल सा एक्सोलोटल फार्म। अपने बेस से थोड़ी दूर आने पर आपको इधर एक सुपर जाइंट बिगेस्ट टायरन फार्म भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर 80 विलेजर्स हैं। और ये है अपना एक रेड फार्म। अगर आपको इस रेड फार्म के अंदर रेड करानी हो तो गई, जिसके साइड में आपको एक प्लेजर आउटपोस्ट भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके ऊपर से आप बैडोमैन का इफेक्ट लेकर आ सकते हो और रेड करा सकते हो। मैंने अपने एंड वर्ल्ड के अंदर भी दो तीन फार्म्स को बना रखा है। आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड पर जाने के लिए इधर से रास्ता मिल जाएगा, मतलब कि इधर अपना एंड पोर्टल है। सबसे पहला तो हो गया ये बेडरॉक फार्म, जिसके अंदर से आप सर्वाइवल वर्ल्ड में बेडरॉक के ब्लॉक कलेक्ट कर सकते हो। ये है गाइज एक बीदर किलर, जिसके अंदर हम बीदर को आसानी से स्पॉन कराकर बड़ी आसानी से मार सकते हो। गाइज आप इसको नेदर स्टार फार्म भी कह सकते हो। और गाइज मैंने इस वाले आइलैंड पर कई बार एंडर ड्रैगन को स्पॉन करके मारा हुआ है, इसलिए गाइज इधर आपको कई एंड सिटी के गेट देखने के लिए मिल जाएंगे। और उन्हीं में से एक के ऊपर मैंने ग्रेविटी ब्लॉक ड्यूपर यानी कि सैंड फार्म भी बना रखा है। अगर गईज आपको एंड सिटी पर जाना हो तो गईज आप इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए चले जाना, इससे गईज आप एंड सिटी पर पहुंच जाओगे। और गईज इधर भी मैंने एक फार्म को बना रखा है, जिसका नाम है सल्कर फार्म। इसके अलावा भी गईज इस वाले सर्वाइवल वर्ल्ड में बहुत कुछ है, लेकिन गईज मैं इस वाली वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकता। अगर गईज आपको जानना है इस वाले सर्वाइवल वर्ल्ड में मैंने आज तक क्या क्या किया है, उसके लिए गईज आप इस वाले सर्वाइवल वर्ल्ड की सीरीज देख सकते हो। आपको वॉट सर्वाइवल सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही गईज आपको इस वाले सर्वाइवल वर्ल्ड की डाउनलोड लिंक भी वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने इस वाले सर्वाइवल वर्ल्ड की जिप फाइल की लिंक और एमसी वर्ल्ड की लिंक दोनों प्रोवाइड कर दी हैं। आप इनमें से किसी को भी डाउनलोड कर लेना और अपने गेम के अंदर इस वर्ल्ड को इंपोर्ट कर लेना। अप्लाई प्रोसेस की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको गेम के अंदर वर्ल्ड को लगाना नहीं आता तो आप उसको देख लेना। बाकी गईज वर्ल्ड को डाउनलोड कर लेना और अपने गेम के अंदर लगा देना। और गईज हो सके तो इस वाली वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।